नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज मैं आप लोगों को शिफली इल्म अमलियात और रूहानी अमलियात के बारे में बताऊंगा कि इन दोनों में क्या फर्क है। यह मुस्लिम तंत्र में पाए जाने वाला यह एक अमल है, विद्या है। यानी शिफली का मतलब होता है काला, यानी अंधेरा, घना, कोहरा, काला, काली रात, यानी कि किसी भी मरी हुई आत्मा जो जलकर, कटकर, फांसी लगाकर, एक्सीडेंट से जो मर जाती है, जो गति को प्राप्त नहीं होती, जिसको मोक्ष नहीं मिलता, जो वाकई में उनकी आत्मा, उनकी इच्छा होती है, भटकती रहती है उनकी आत्माएं, उनको बुलाकर, सिफली इल्म करने वाले, अमलियात करने वाले, उनको बुलाकर उनसे अपना काम निकाल लेते हैं। इसको कहते हैं शिफली अमलियात, जो मुस्लिम में सबसे गंदा अमल माना जाता है, जिसको मुस्लिम में करना भी हराम है। शिफली अमलियात रात में किया जाता है। इस अमल में पुतले, काले जादू, नींबू, नारियल वगैरह, तावीज़ वगैरह, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। गंदा अमल होता है। इसके अंदर हम किसी का बुरा भी कर सकते हैं और किसी का हम अच्छा भी कर सकते हैं। इससे काम तुरंत हो जाता है। दूसरा अमल आता है रूहानी अमल। रूहानी अमल यानी नूरानी अमल, नूरी अमल, रूहानी रूह यानी पाक रूह, जिन जिन्नात पाक जो है, मुवक्किल है, वली अल्लाह है, पीर है, हम इनको बुलाकर इनसे अपना काम करते हैं, मिन्नतों करके, हाथ जोड़कर, इनको याद करके। हम इनके लिए कुछ मीठा रखते हैं, पान, इत्र, गुलाब वगैरह, फिर हम नहा धो के पाक साफ कपड़े पहनकर, खुशबू इत्र वगैरह लगाकर बैठते हैं और रूहानी तरीके से हम दरूद शरीफ, सूरे सब पढ़ते हैं और कुछ अमल के आयते, जिससे वो सामने आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। लेकिन रूहानी अमल जो होता है वो पाक अमल है। रूहानी अमल करने के लिए इंसान का ईमान पाक होना चाहिए, यानी उसकी नीयत एकदम साफ होनी चाहिए, परहेजगार होना चाहिए, नमाजी होना चाहिए और वो दीन, दुनिया, अल्लाह को मानने वाला होना चाहिए, तब रूहानी अमल काम करता है। ये नहीं कि आपने तस्बीह हाथ में लिए, आपका दिल दिमाग कहीं और लगा है कि सामने से दो पैसा निकाल लूं, दो उससे ये निकाल लूं, उसका ये कर दूं, उसका कुछ इलाज कर दूं तो दो पैसा मुझे। सोच ही आपकी अगर खराब होगी तो रूहानी अमल कभी काम नहीं करेगा। रूहानी अमल वाकई में फैज पहुंचाने वाली दुनिया की सबसे पावरफुल अमल है। दुनिया की सबसे ताकतवर अमल जो है वो रूहानी अमलियात है। शिफली अमल जो है वो भी बहुत पावरफुल है, तुरंत काम करता है शिफली। लेकिन इंसान ज्यादातर शिफली की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है कि उसका काम जल्दी हो जाए। हर इंसान घोड़े पर होता है कि मेरा काम जल्दी। सब्र से काम आजकल इंसान नहीं लेता। हर आदमी को अपनी समस्या ज्यादा लगती है तो वो रूहानी छोड़कर शिफली की तरफ जाता है और शिफली से अपना काम निकालता है। शिफली जो होता है उसमें मुर्गी, बकरे, नींबू, नारियल, काले कपड़े, सिंदूर, कुमकुम, काली गुड़िया और कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जो रात में किया जाने वाला काम है। अमल दोनों तरह के हैं, काम दोनों करते हैं। करना या नहीं करना वो आपके ऊपर है, किससे करना है, किससे नहीं करना है। मैंने आपको सिर्फ जानकारी के लिए बताया है। मेरा कोई इरादा अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना है। मैं यही कोशिश करता हूं कि अमल क्या होता है, अमल क्यों किया जाता है, अमल किस लिए किया जाता है, इन सब चीजों को आपके सामने लाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको भी जानकारी हो कि शिफली इल्म किसे कहते हैं, रूहानी इल्म किसे कहते हैं, जलाली इल्म किसे कहते हैं। इल्म कई प्रकार के होते हैं। मैंने आज जो आपको बताया वो मुस्लिम में पाए जाते हैं, मुस्लिम तंत्र के अंदर ये पाए जाते हैं। शिफली और रूहानी दो इल्म सबसे ज्यादा चलता है। ज्यादातर लोगों के ऊपर भूत, प्रेत, बीमारी, जादू टोना, किया करा जो होता है वो शिफली से होता है और जो ठीक होता है वो शिफली से भी ठीक होता है और रूहानी तरीके से भी ठीक होता है। तो ये मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। ऐसे और भी वीडियो बनाकर कई जानकारियां
जो अमलियात से है, विद्या से, तंत्र मंत्र से, यंत्रों से, वो आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरी बताई हुई बातें अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मुझे आपकी जरूरत है ताकि मैं और भी ऐसे राज ताकि आप लोगों को बता सकूं जिससे आप भी फायदा उठा सके। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।